Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू हिंदी लैंग्वेज क्लास। आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 9 से, जो है विशेषण। आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्या है विशेषण? आप लोग एडजेक्टिव इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया होगा, फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं और सबको याद आ जाएगा। विशेषण क्या है? जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता के बारे में बात करते हैं या उसके गुणों के बारे में बात करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। याद आया सबको? जैसे आसमान नीला है, तो हमने आसमान की क्या विशेषता बताई? नीला। बताया ना आसमान कैसा बताया? नीला। तो नीला क्या हो गया? उसकी विशेषता यानी उसके रंग के बारे में बताया। अब मैं कहूं कि नेहा मोटी है, हमने क्या कहा? नेहा मोटी है। तो ये हमने क्या किया? उसके आकार के बारे में बताया कि वो कैसी है? मोटी है। और कि तेज, बहुत पढ़ने में तेज है, तो उसके क्या गुण बताए? कि वह पढ़ने में तेज है। तो ये सारी क्या है? हम किसी की गुणों के बारे में बता रहे हैं या किसी की क्वालिटी के बारे में जब बात करते हैं, तो वही हमारे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। पेज नंबर सारे बच्चे 51 ओपन कर लीजिए। इसमें देखिए एक छोटी सी कविता दी है, उसके द्वारा हम और अच्छे से समझते हैं। क्या है? गुब्बारे लेकर आया ढेर। देखिए ये आपकी यहाँ पे पाठ है, पाठ में छोटी सी कविता दी है, इसको पढ़ते पहले। गुब्बारे लेकर आया ढेर, देखो आया मोटा सबसे, हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। है ना अच्छी सी कविता? तो इसमें क्या है? गुब्बारे लेकर आया ढेर यानी बहुत सारे गुब्बारे लेकर आया, देखो आया मोटा शमशेर। तो ये गुब्बारे वाले का नाम क्या है? शमशेर। और वो कैसा है? मोटा। हरे बैंगनी लाल सफेद, क्या है ये गुब्बारे? देखिए हरे हैं, लाल हैं, बैंगनी और सफेद हैं। तो हरे लाल बैंगनी सफेद, रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल। देखिए गुब्बारे कैसे हैं? कोई लंबा है कोई गोल है। लाओ पैसे ले लो मोल यानी पैसे लेके आओ और इसको मोल मैंने खरीद लो। तो यहाँ पे क्या है? ये सारे क्या बता रहे हैं? ये सारे किसी ना किसी के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे शब्द हमारे क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द या विशेषण शब्द है। जैसे अब बताइए कितना और कैसा, ये भी कहते हैं। वे शब्द जो कितना और कैसा के बारे में बताते हैं, वो भी हमारे विशेषण या विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे गुब्बारे कितने हैं? देखिए गुब्बारे कितने हैं? चार। गुब्बारे कैसे हैं? हरे हैं, बैंगनी हैं, लाल हैं और सफेद। शमशेर कैसा है? तो कैसा बताया शमशेर? मोटा है। गुब्बारे का आकार कैसा है? कोई गुब्बारा गोल है तो कोई लंबा है। तो यहाँ पे क्या है? ये संख्या बता रहे हैं, आकार बता रहे हैं, रंग बता रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द या विशेषण शब्द है। अब है ये शब्द अनेक प्रकार के विशेषता अथवा गुण बताते हैं। देखिए कौन कौन से कि सिर्फ हम किसी के सिर्फ गुण ही नहीं बताते, उसके साथ क्या देखिए अनेक प्रकार के क्या क्या आ जाते हैं? रंग रूप के बारे में बताना, आकार के बारे में बताना, गुण दोष के बारे में बताना। गुण दोष क्या होता है? दोष जैसे किसी के अंदर कोई कमी होती है, जैसे हमने कहा हाँ वो बहुत तेज नहीं है, या कह दें कि नहीं वो थोड़ा सा कम बुद्धिमान है, तो ये क्या हो गया? ये उसके दोष बताए हमने कि वो बहुत लड़ने वाला लड़का है या बहुत लड़ाकू है, तो ये क्या हो गया? उसके दोष हो गया। गुण क्या हो गया? वो बहुत अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया? ये गुण हो गया। ठीक है, माप तौल, किसी की संख्या को बताना, माप तौल जैसे 2 मीटर 3 मीटर ये सब क्या है? ये भी विशेषता बताना है। और संख्या जैसे 5, जैसे अभी पूछा था ना गुब्बारे कितने हैं, यहाँ पे क्या है? गुब्बारे की संख्या बताई जा रही थी वो। और अवस्था जैसे बूढ़ा है, जवान है, अमीर है, गरीब है, ये
सारे किसमें आते हैं, अवस्था में। तो ये शब्द अनेक प्रकार की विशेषता व गुण के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, रंग रूप, आकार, गुण दोष, माप, तौल, संख्या और अवस्था। ठीक, इनको एक बार आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा। उसके बाद है कि वे शब्द विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताने वाले। संज्ञा में क्या आएगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के बारे में भी अगर उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, यानी विशेषण कहलाते हैं। अब है विशेषण कई बार बताते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, आकार, रंग, संख्या, माप, तौल आदि। अब है विशेषण शब्द क्या बताते हैं, विशेषण शब्द क्या बताते हैं, अच्छा, बुरा, आकार, रंग, संख्या, माप, तौल आदि बताते हैं। अब है मीठे आम में विशेषण शब्द कौन सा है, मीठा आम। अब इसमें बताइए बच्चों कि आपको कौन सा शब्द विशेषण वाला लग रहा है, मीठा आम। तो इसमें क्या होगा विशेषण, मीठा, क्योंकि आम की विशेषता को बता रहा है कि वो मीठा है, तो क्या हो जाएगा, मीठा। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 53 ओपन करिए, उसमें दिया है अभागे वर्ग दिया गया है, चित्रों को सही विशेषण शब्द से मिलाइए। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे शब्द लिखे हैं, अब आप इनसे मिलाइए, तो क्या हो जाएगा, बूढ़ा को बूढ़े आदमी से मिला लेंगे, मीठा क्या होता है, मीठा आम, रंगीन गुब्बारे, अनेक तारे, सुंदर लड़की, काला कौआ, ठीक है, इस तरह से इसको मैच करा लीजिएगा। अब है खाली स्थान में सही विशेषण शब्द भरिए, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, यहाँ पे इसमें शब्द दिए, तो लिखा है वरुण कितने साल का है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, वरुण खाली स्थान साल का है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वरुण 5 साल का है, क्या लिखेंगे वहां पे, 5। उसके बाद है उसे खाली जगह सेब खाना अच्छा लगता है, तो क्या लिखेंगे, मीठा, बड़े, 5 या 1, इनमें से कौन सा सही शब्द विशेषण लग रहा है, कि उसे मीठा खाना अच्छा लगता है। ठीक, उसके बाद है वह खाली जगह घर में रहता है, तो क्या हो जाएगा, वह बड़े घर में रहता है। ठीक, और उसके बाद है उसके घर में खाली जगह बगीचा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके घर में एक बगीचा है। इस तरह से आप ये खाली जगह कंप्लीट करेंगे। अब अपने आसपास देखकर बताइए आसमान कैसा है, बाहर देखिए, निकलिए और बताइए, आसमान को देखिए और उसके बताइए कैसा दिख रहा है, नीला। सड़क का रंग कैसा होता है, जाइए देखिए सड़क कैसी होती है, काले या स्लेटी रंग की होती है, होती है ना, वो लिखिए। आपके घर में कितने कमरे हैं, अपने घर में नजर दौड़ाइए कितने कमरे हैं वो लिख लीजिए। आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, आपकी क्लास में कितने बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब है शेर और चिड़िया के क्या गुण होते हैं, अब बताइए बच्चों शेर के क्या गुण होते हैं और चिड़िया के क्या गुण होते हैं। चिड़िया छोटी होती है और सुंदर होती है, शेर के क्या गुण हो जाएंगे, शेर ताकतवर है और बड़ा होता है या जंगली है ना, जंगली जानवर है ना शेर, तो क्या हो जाएगी, शेर की क्या विशेषता हो जाएगी, वो खतरनाक है या वो जंगली है या वो ताकतवर है, आपको जो सही लगता है आप उसको लिख सकते हो। और चिड़िया की क्या विशेषता हो जाएगी, गुण बताने हैं, तो चिड़िया के हम क्या बताएंगे कि चिड़िया सुंदर है और अच्छी लगती है, होती ना छोटी सी और प्यारी होती है। अपनी पसंद की 3 चीजों के गुण बताइए, ये वर्क आप करिएगा, जरा सोचिए, तो अपने आप को क्या क्या चीजें पसंद है वो आप लिख लेंगे इसी बुक्स में, उसके आगे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे है देखिए, अपने माता पिता के चित्र चिपकाइए और लिखिए उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे मम्मी का, यहाँ पे पापा का फोटो चिपकाइए और आपको अपनी मम्मी के अंदर क्या अच्छाई दिखती है उसको यहाँ लिखिए, और पापा के अंदर क्या अच्छाई है उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग को बच्चों ये, और देखिए लास्ट में हमारा क्या दिया है, पूरा पाठ पढ़ने के बाद हमने क्या समझा कि हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए क्योंकि वह हमारी विशेषता बताते हैं।
क्या बताया है कि हमें अच्छी आदतों को ही धारण करना चाहिए क्योंकि वही हमारी विशेषता को बताती है। ठीक है, अब है आप लोग का यहाँ पे पार्ट 9 कंप्लीट होता है। जो आज हम लोगों ने पढ़ा विशेषण वाले शब्द या विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषता गुण आकार मापतौल संख्या रंग रूप ये सारे विशेषता के ही अंतर्गत आते हैं। जब हम किसी के बारे में इसके गुण को बताते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छी अच्छी राइटिंग में, मैं आपको कंटेंट व्हाट्सएप में कर दूंगी, तो आप लोग उसे देख के अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से करिएगा। ओके।